डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। रैपिड रेल स्टाफ की बड़ी लापरवाही आई सामने। मेरठ रैपिड रेल निर्माण से सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज की बिल्डिंग पर खतरा मंडरा है। रैपिड रेल निर्माण की वजह से स्कूल में दरार आने की चर्चा बनी हुई है। बारिश की वजह से जमीन में पानी रिसने से कॉलेज का गेट धंस गया, जिसके चलते रैपिड रेल के कर्मचारियों ने जेसीबी से गड्ढों में मलबा भरवाया। सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज का मेन गेट तो धंसा ही, साथ ही क्लासों में भी दरारें आ गई हैं और मेन गेट के पास फर्श में भी दरारें देखी गई हैं, जिसके चलते स्कूल का स्टाफ दहशत में है। एक बार फिर से बता दें, बारिश की वजह से ज़मीन में पानी रिसने से जोसेफ इंटर कॉलेज का मेन गेट धंस गया। क्लास में आई दरारों पर पैचवर्क कराया गया है। ये सारी लापरवाही रैपिड रेल स्टाफ की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हल्की दरारें आने की जानकारी के बावजूद भी रैपिड रेल स्टाफ ने लापरवाही बरती और स्कूल में आई दरारों पर गौर नहीं किया, जिसके चलते आज जोसेफ इंटर कॉलेज की बिल्डिंग पर खतरा मंडरा रहा है, और इस लापरवाही के चलते आसपास के बड़े निर्माणों में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह जेसीबी से गड्ढों में मलबा भरवाया जा रहा है। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।